मेरा इशारा चंद दिन पहले उस वाक़ की तरफ़ है कि जो इस्लामाबाद में दिन दहाड़े ग्यारह बजे के करीब बहुत से बावर्दी पुलिस के बावर्दी अफ़रा और चार पांच गाड़ियाँ जिनमें से एक गाड़ी पे पुलिस की लाइटें लगी थी उनके ज़रिए मुझे अगवा करने की कोशिश की गई तकरीबन दस बजे के करीब मैंने अपनी अहिया को इस्लाम के जी सिक्स वन थ्री सेक्टर के एक सरकारी स्कूल के बाहर ड्रॉप किया आम तौर पे मैं ड्रॉप करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला जाता हूँ या दूसरे काम निपटाता हूँ उस रोज़ मैं अपने फ़ोन के कुछ मैसेज़ देखने के लिए और कुछ दस्तावेज़ा पढ़ने के लिए मैं स्कूल के बाहर ही रुक गया <coughs> और उसमें कुछ टाइम लग गया और तकरीबन ग्यारह बजे के करीब अचानक ये मशकूक लोग या अगवाकार पुलिस की बावर्दी अफराद जो थे जो पुलिस की लाइटें लगी एक बड़ी वीगो गाड़ी थी या डबल कैबिन थी पता नहीं वीगो थी या कौन सी उसमें से ये उतरे और मुझे गाड़ी से खींच के निकाला ज़बरदस्ती मैंने बड़ी मजामत की जैसा कि आपने टी वी इस्क्रीन भी देखा होगा और मुझ पर इन्होंने तशद्द भी किया और मैं अपने अहलिया के स्कूल के दीवार के बाहर ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आई मैंने अपनी अहलिया की तवज्जो हासिल करने के लिए जो मेरे पास एक मोबाइल था उसको मैंने स्कूल की दीवार के अंदर उछाल दिया और ये जो मावर्दी अफराद थे ये कुछ मसल्ला भी थे और कुछ मसल्ला थे कुछ वर्दी में कुछ सिविल कपड़ों में और मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती आखिरकार एक गाड़ी के अंदर बिठा दिया और फौरी तौर पे मुझे जो मेरे दाएँ बयां पुलिस के बावर्दी अफराज़ बैठे थे उन्होंने मुझे गर्दन से दबोच के नीचे सीटों की तरफ मेरा मुँह कर दिया कि मैं देख ना पाऊँ मेरे हाथों में पुलिस की सरकारी हथकड़ी जो एक सिल्वर कलर की हथकड़ी होती है बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू और लंबी जंजीर उन्होंने मेरे दोनों हत, हाथ हथकड़ी में डाल दिए मेरे सर के ऊपर एक कपड़ा काले रंग का कपड़ा डाल दिया मेरी आँखों के ऊपर उस कपड़े के ऊपर ही एक पट्टी का के बांध दी मैंने चीखा चलाया और कहा कि मेरा दम घुट रहा है मुझे सांस लेने दें और उसके बाद उन्होंने मेरे नाक वो कपड़ा नाक से ऊपर कर दिया और फिर नाक से ऊपर उसको बांध दिया इसके बावजूद मेरा दम घुट रहा था मैंने कहा कि मुझे सीधा होने दें मेरी गर्दन सीधी होने दें लेकिन वो लोग थे एक बंदा लगातार जद कर रहा था दूसरे ने मुझे जखड़ा हुआ था ये पुलिस थी मैंने कहा मेरा जुर्म क्या है मैं साफ़ी हूँ मेरा नाम मतियला जान है मुझे बताया मेरा जुर्म क्या है लेकिन ये लोग जवाब नहीं देते थे बदतमीज़ी करते थे कि तुम सहाफ़ी हो तुम अपने आप को क्या समझते हो तुम तुम्हें पता नहीं तुम क्या करते हो ऐसी बातें क्यों करते हो और फिर ये हुआ कि मेरा जब बहुत ज़्यादा तबीयत कुछ ख़राब होने लगी क्योंकि उन्हें जखड़ा हुआ था तो मैंने उनसे कहा मुझे पानी चाहिए मुझे फ़ौरी तौर पे पानी दें और वो गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी कुछ देर चलने के बाद रुकी गाड़ी कुछ देर बाद मेरे साथ से एक तरफ़ का बैठा बंदा निकला दूसरे बंदे आ गए कोई और बंदा आ गया या वही था मुझे नहीं पता और आके पानी की एक बोतल उन्होंने मुझे दी मैंने कहा मेरे मुझे कुछ पता नहीं है ये मैं कैसे पीऊँ आप मुझे हाथ बंधे हुए हैं तो उन्होंने मेरे मुंह से कपड़ा नाक से जो उठाया था अपने हाथ से बोतल खोल के मुझे दो तीन घूंट पिलाए और फिर उसको दोबारा मुझे जो है उसी तरह नीचे पोजिशन में कर दिया कुछ देर तक चलते रहने के बाद गाड़ी को तकरीबन घंटा डेढ़ का घंटे का सफ़र था एक जगह पे रुकी और मुझे बिल्कुल अंधेरा गुप्त मेरे लिए तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था मुझे एक नाम मुकाम पर ले गए और गाड़ी से निकाल के उठाकर एक ऐसी जगह ले गए जहाँ पे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई लोहे के बड़े बड़े दरवाजे खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं जैसे कोई हवालात का मंजर होता है और मुझे आवाज़ें ही आ रही थी सिर्फ और मुझे एक जगह ला फेंक दिया गया जिस पर नीचे मुझे महसूस हुआ कि एक फर्श था सीमेंटेड फ़र्श था साथ में कुछ पुराने सा कोई जैसे कपड़ा बिछा हुआ है और कोई सराहना मुझे महसूस हुआ नीचे पड़ा हुआ है और मुझे वहाँ जाके लिटा दिया और फिर जद करना शुरू हो गए फिर कभी वो उठा देते थे दीवार की तरफ मुंह कर दिया फिर कमर पे और सर पे हाथ से वार करते थे और बार बार ये कहते थे तुम्हें समझ नहीं आती तुम्हें समझ नहीं आती समझ तो मुझे आ रही थी मगर शायद समझ इन लोगों को नहीं आ रही उस वक्त भी मैं यही सोच रहा था मैं इनसे क्या बात करूं ये किस लेवल के लोग हैं कि मैं इनसे क्या पूछूं? बहरल वहाँ भी मैं जब बेहाल हुआ फिर मुझे थोड़ा पानी पिलाया गया बोतल ला के और फिर मुझे लिटा दिया गया वो लोग चले गए थोड़ी देर बाद फिर आए और फिर जदोकोप करना शुरू किया और फिर मुझे बच्चों के नाम ले कर धमकियाँ भी लगाईं और <coughs> बार बार यही कहते रहे मैंने कहा कल मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना है कल मेरी पेशी है सुप्रीम कोर्ट में मैं जब गाड़ी में लाया जा रहा था उस वक्त भी मैंने कहा कि मेरी सुप्रीम कोर्ट में पेशी है खुदा के लिए ये क्या आप कर रहे हैं कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने मुझे तलब किया हुआ है मेरे खिलाफ केस है एक लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था और जब ये जेल के अंदर ये जेल थी या जो भी एक ऐसा सेल था उसके अंदर भी ये जो एक ये सब कुछ कर रहे थे तो मैं उन्हें बार बार ये कह रहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है मेरी पेशी है और मैंने उनसे कहा कि आप चाहते क्या हैं क्या करते हैं कल मेरा सुप्रीम कोर्ट में पेशी है तो वो यही कहते थे तुम समझदार हो तुम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हो तुम्हें पता है क्या करना है और इसके अलावा कुछ बात नहीं करते थे और बार बार ये कहते तुम समझदार हो तुम समझते हो वैसे तो बहुत बातें करते हो बड़े पढ़े लिखे हो फिर हमसे पूछते हो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या मैं समझदार हूँ मैं पेशी मैं क्या ऐसी बात करूँ पेशी पे कि जिनसे ये लोग इनको मुतमैन होंगे बहुत दोबारा उन्होंने मैंने ये पट्टी खोली आँखों से कस के जो बांधी हुई थी और वो पट्टी जब खोली तो दोबारा उन्होंने आँखों में नहीं बांधी उन्होंने मेरे माथे पे बांध दी कस के और मेरी हथकड़ियाँ भी सामने ही मेरे हाथ बांधे हुए थे मतलब पीछे नहीं बांधे थे अभी और चले गए मैं थोड़ी सी हिम्मत करके वो बैठ के हल्का सा मैंने सिरकाया वो कपड़ा अपनी आँखों के सामने से तो देखा तो मुझे सिमट का फर्श नज़र आया और वही कपड़े की चादर जिसको मैंने पहले महसूस किया था और फिर दीवार पे मैंने देखा तो एक सफ़ेद रंग की दीवार पे पुलिस के कलर में रंगीन कलर जो होते हैं नीले रंग की लाइनें उसमें दीवार पे वो निशान बने थे पुलिस के पुलिस कलर में एक लाइन बनी थी जैसे वो एक सरकारी कोई जगह थी फिर मैं देखा कि हवालात का लोहे का एक दरवाज़ा था मैं हवालात में बज़ायर तो लग रहा था एक हवालात वाला जैसे होता फिर मैं देखा कि उस दरवाजे के बाहर मुझे एक दरवाज़े पर लेटरिन लिखा नज़र आया बिल्कुल एक रॉस वाशरूम था उस पर लेट्रीन लिखा था और फिर उसके साथ एक बड़ी अजीब चीज़ लिखी थी उस पर बड़ा बड़ा करके लिखा था मुहर्र और एक तीर का निशान नीले रंग का बना हुआ था और वो सिंथ बता रहा था मैं पहले देखे बड़ा सरपटाया मैंने कहा ये तो कोई थाना लगता है कोई सरकारी एफ का सेल है पुलिस स्टेशन है ये क्या है लेकिन मुझे हैरत इस बात पे हो रही थी कि मेरी आंखों से ये पट्टी उतार के माथे के ऊपर क्यों बांधी गई और क्यों मेरे हाथ जो है इस तरह सामने ही हथकड़ी में रखे गए और शायद मुझे लगा कि वो लोग चाह रहे थे कि मैं खुद से अपनी आंखों से सिरका के चोरी छुपे ये सारा मंजर देखूँ और यह जाए कि ये कोई थाना है या पुलिस स्टेशन पर अचानक वो आ गए और मैंने ये भी देखा कि कैमरा लगा था फिर जब मैं कैमरे की तरफ ऐसे देखा जल्दी से तो फिर वो लोग आ गए कि तुमने आंखों से कपड़ा हटाया है भाई आप ख़ुद का माथे पे बांध के गए और मेरा हाथ सामने पड़ा है और मुझे फिर जर्दकूक करना शुरू किया फिर उन्होंने दोबारा जर्दुक करने के बाद दोबारा जो है वो कपड़ा मुझे वो कस के बांधा आँखों पर फिर नहीं बांधा फिर, फिर माथे पर बांध के चले गए दोबारा आंखों पे फिर नहीं बांधा फिर उसी जगह माथे पे बांधा ताकि फिर मुझे लगा कि वो चाह रहे हैं कि शायद मैं अभी भी देखूं चीज़ों को मेरे जहन में बहुत से ख्याल आ रहे थे ऐसा मैं अब एज ए जर्नलिस्ट भी सोच रहा था मैं उन, उनको उस जदकोब करने के दौरान बार बार मैं उनसे दरख्वास्त करा था मेरे साथ जो मर्ज़ी करो खुदा के लिए मेरे घर वालों को बता दो कि मैं खैरियत से हूँ मैं ज़िंदा हूँ मेरी बीबी को बता दो मेरे बच्चों को बता दो और फिर वो उनकी तरफ़ से एक जवाब आया कि बता दिया है बता दिया मैंने कहा अच्छा उनमें से कुछ लोग बड़े वो डिसेंट तरीके से कभी बात करने कोशिश कर, करते और बात क्या करते थे टाइम निश्ता टाइम निश्ता कोशिश करते थे पुशतो बोलने की और मुझे लगा कि वो पुशतो बोलते नहीं हैं लेकिन वो बोलने की कोशिश करते थे और फिर मुझे छोड़ के उसी हाल में वो चले गए उस दौरान फिर एक मौके पे अचानक ही वो लोग सेल में आ गए मुझे एक सेल टाइप बना और एकदम जो है ये ये चंद घंटे बाद के मैं बात करूँ चंद घंटे तक मैं ऊँगता रहा बीच में और आके मुझे टटोलते थे दीवार पे बिठाते थे जैसे चेक कर रहे हो कि मेरी न, क्या कंडीशन है पानी भी बोतल में खुद पिलाया उन्होंने उस दौरान मैं तीन दफ़ा चार दफ़ा वाशरूम भी गया वो मुझे पहले लेकर गए फिर वाशरूम में कपड़ा ऊपर करने की इजाज़त थी एक दफ़ा वाशरूम में मैंने मेरी दरख्वास पर उन्होंने एक हाथ से हथ खोल के दूसरे हाथ पे बांध दी और फिर जब वापस आया तो जैसे मैंने कहा कुछ कुछ लोग अंदर आए एकदम काफ़ी देर बाद आखिर में क्या हुआ और अचानक मुझे तो कोप करना शुरू किया कपड़ा दोबारा से उन्होंने पूरा मेरे मुंह पे डाल दिया और मैंने फिर चल्लाया कि मेरे सांस का मसला है मुझे नाक से ऊपर कपड़ा रखें फिर उन्होंने मेरी वो कप, जो पट्टी थी आँखों वाली जो माथे पर उतार के सही आँखों पर कस दी और फिर उन्होंने मेरी हथकड़ी उस वक्त खोल के मुझे मेरे हाथ पीछे की तरफ़ बांध दिया अब मेरे चेहरे पे कपड़ा आँखों पे पट्टी मेरे हाथ पीछे हथकड़ी पे बांध दिए और मुझे जदों को दोनों बाजुओं से सख्ती से पकड़ के नीचे घुटनों के बल बिठा दिया मुझे ही महसूस हुआ कि शायद ये लोग पागल हो चुके हैं और कुछ भी हो सकता है और सबसे बढ़ के ये हुआ कि अचानक मेरे मुंह पे एक बड़ी सी टेप बांधना शुरू हो गए मेरे मुंह के ऊपर और मैंने उनसे कहा प्लीज़ मेरा सास जो है उसका प्रॉब्लम होगा मेरे मुंह पे आप टेप ना बाँधे मैं नहीं बात करता मैं नहीं शोर करता इसके बावजूद उन्होंने वो टेप बांध दी और पीछे से ला के बहुत सख्ती से अब मुंह पे टेप है आंखों पे पट्टी है कपड़ा मेरे चेहरे पर डाला हुआ है और नाक तक उन्होंने ये ज़रूर किया कि नाक तक छोड़ देते थे और हाथ पीछे बांधे हुए और मुझे इसी तरह जकड़ के थोड़ा बहुत ज़्यादा कोप करके मुझे उन्होंने उठा लिया दो बंदों ने तीन ने और उठा के तकरीबन आधा चलते आधा उठा के मुझे बाहर गाड़ी की तरफ ले गए और एक गाड़ी में उन्हें लिटरली उठा के अंदर गाड़ी में फेंका पिछली सीट पे मैंने उनसे कहा कि मैं तंग हो रहा हूँ मेरी टांग के मसल का भी प्रॉब्लम हुआ बीच में तकलीफ़ हुई मैंने उनसे पर गाड़ी चल पड़ी और मैंने उनसे पानी भी मांगा वो अब ना तो कोई बात करता था गाड़ी में ना कोई पानी पिलाता था सिर्फ ये देखते थे कि नाक से ऊपर मेरे वो कपड़ा सिर्फ रखते थे रास्ते में किसी जगह पे गाड़ी रुकी तो ड्राइवर सीट के शीशे से किसी बंदे की बात आवाज़ आई जो बाहर से बोल रहा था और उस बंदे की आवाज़ आई कि आप अगली गाड़ी वाले के साथ हैं तो शायद हम जो उस गाड़ी का ड्राइवर है उसने पता नहीं क्या जवाब दिया लेकिन फिर उसी बंदे की आवाज़ आई मुझे कि ओके आप जा सकते हैं और वो फिर गाड़ी चल पड़ी और ये गाड़ी चलती थी किसी बड़ी शराब पर जा रही थी पास से बड़ी गाड़ियाँ स्पीड से गुजरती थी और ये गाड़ी अपनी नॉर्मल स्पीड पर जा रही थी कोई परवाह नहीं थी कोई जल्दी नहीं थी कोई तेज़ी नहीं थी लेकिन चली जा रही थी और लग रहा था कि मैं शायद पेशावर या अफगानिस्तान की तरफ जा रहा हूँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था और तकरीबन घंटा सवा घंटा चलने के बाद ये गाड़ी अचानक रुकती है और रिवर्स होती है और सड़क से जैसे किसी कच्चे ट्रैक पर उल्टा चलना शुरू हो गई मुझे एहसास हुआ कि शायद अब हम ट्रैफिक से दूर हो रहे हैं ट्रैफिक की आवाज़ हमसे दूर हो रही थी कोई एक मिनट तक वो गाड़ी तकरीबन मिनट डेढ़ तक पीछे चलती रही होती रही गाड़ी रुकी मुझे गाड़ी से घसीट के निकाला और घसीट के निकाला जब तो मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि शायद अब ये मुझे फेंक देंगे मार के फेंक देंगे और जिससे बाक़ी वो चंदियों के साथ हुआ है और जिससे उनके कातल नहीं पकड़े गए मेरे भी शायद इनका भी कभी नहीं पता चलेगा मैंने ख़ुद से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया ऐसे मौके पे बहुत सौ अल्लाह याद आ जाता है लेकिन उस वक्त बड़ी ही टेंशन और मुझे घसीट के ले गए और एक झाड़ियों के ऊपर मुझे गिरा दिया लिटा दिया और अचानक ही एक बंदे ने पूछा फिर वही ऐसी पश्तो ज़ुबान बोलने की मुझे लग रहा था कि पश्तो है नहीं लेकिन वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूछा नाम नाम से नम दे क्या नाम मुझे इतना सा आइडिया था तुम्हारा नाम क्या है तासो तासो से नुम दे मैंने कहा मेरा नाम मतिउला जान है मैं सहाफ़ी हूँ तो उनमें से एक ही आवाज़ आई कि क्या तासो ज़र ख़ान ना दे जरा ख़ान ना दे और मैंने कहा मैं ज़रा ख़ान नहीं हूँ मैं मतील्ला जान हूँ मैं मतियला जान हूँ तो उस बंदे की फिर आवाज़ आई अपने साथी से कह रहा है ये तो मरा ये ये कोई और बल सड़े दे या ये तो कोई और बंदा है अब मुझे समझ आना शुरू हो गया कि उम्मीद पैदा होगी हल्की सी उम्मीद पैदा होगी और मैं बड़े जल्दी से कहा कि मैं गलत बंदा हूँ यार आप ज़रा ख़ान नहीं हूँ मेरा नाम मतुल्ला जान है मैं सहाफ़ी हूँ और उन्होंने कहा कि तुम जरा ख़ान नहीं हो मैंने फिर कहा कि मैं नहीं हूँ मतिउला जान हूँ तो उसने फिर कहा ये गलत बंदा आ गया है इसको छोड़ो इधर फेंको मेरी जान में जान आई और मैंने कहा जिससे ये मुझे समझाना चाह रहे हैं मैं उनके साथ ही चलता हूँ मैं क्या खुदा की कसम मैं मतिउला जान हूँ तो मैं आमतौर तो पर कसम नहीं उठाता लेकिन ज़िंदगी मौत का सवाल था मैंने कहा शायद इनको एतबार आ जाए बहाल उन्होंने फिर क्या मैंने कहा मुझे पानी दो मेरी तबीयत ख़राब हो रही तो उन्होंने मेरे चेहरे पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया और बिल्कुल ऐसे टेप के ऊपर ही बोतल ऐसे पानी की गिरान मैंने कहा यह टेप उतारोगे तो मैं पीऊँगा फिर उन्होंने वो टेप उतारने की कोशिश की उनसे शायद उतरी नहीं है क्या फिर उन्होंने मैंने कहा मेरे हाथ खोल दो खुदा के लिए उन्होंने फिर मेरी हथकड़ी पीछे से जो है उसको ऐसे कर रहे थे कि जैसे वो उनके पास चाबी नहीं है और वो इसको तोड़ रहे हैं लेकिन इससे ऐसा कर कर के फिर अचानक हथकड़ी को मुझे लगा कि उन्होंने खो लिए उसमें बकायदा और फिर शायद ले कर चले गए और ले पास रख ली और थोड़ी देर बाद वहाँ से उन्होंने कहा कि चलो हम चलते हैं तो जाते जाते एक बंदे ने मेरे सर पर ज़ोर से कोई चीज़ मारी और मुझे लगा कि बहुत ज़ोर से लगी है लेकिन मैं बेहोश नहीं था लेकिन मैं बेहोश बन गया मैं बेहोश बन गया तो वही शख्स फिर अचानक मुझे झंझोड़ना शुरू हो गया कि मैं कि कुछ हो तो नहीं गया मुझे वो मुझे झंझोड़ा मैं एकदम हटबड़ा के उठा उसने मेरे चारे पे पानी वगैरह फेंका और फिर मुझे लटा दिया मेरे हाथ में पानी की बोतल पकड़ा दी और खुद वहाँ से चले गए मैंने देखा गाड़ी की आवाज़ आई कि गाड़ी चली गई तो मैं उठा और बड़ी मुश्किल से वो अपने जो ऊपर कपड़ा था उतारा और आँखें का वो ऊपर से खींच के उतारा बहुत कास के बाद फिर वो टेप नहीं उतर रही थी पीछे गर्दन से ला के पूरा मन किया और वो टेप इतनी सख्त थी बड़ी थी गर्दन से कि वो बीच में सिर्फ हल्की फुल्की आवाज़ें ही आप निकाल सकते थे वो जैसे मुंह की वजह से या भाप की वजह से वो टेप लूज़ होगी इस जगह से तो वो अब मैं सिर्फ उतना ही बोल पाया था और ये उस टेप को लगाने के बावजूद भी ये सारी मेरी कन्वर्सेशन जो थी उनसे मैं चंद अल्फाज में कर पाता था और बोल पाता था सिर्फ़ वो मेरे मुंह वाली जगह से वो लूज़ थी बाक़ी पूरी गर्दन तक उन्होंने बांध दी थी और ये कन्वर्सेशन इस वजह से मुमकिन हो सकी कि वो बड़ी कोई टेप थी और सिर्फ मुंह वाला हिस्सा बीच में से मेरे बोलने से या मेरी भाप से वो लूज़ हुआ था तो मैंने वो टेप को बड़ी मुश्किल से खींच के उतारा और टेप उतार दी और वो कपड़ा फेंक दिया मुझे नज़र आया घुपने और इतनी देर बाद मुझे मैं मेरे जहन में यह था कि शायद रोशनी है बाहर जो आवाज़ें आ रही हैं ट्रैफिक है रोशनी लेकिन मुझे गुप्त अंधेरा नज़र आया बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर बाद कुछ नज़र आना शुरू हुआ हल्का फुल्का तो मुझे लगा कि एक कच्चा रास्ता है जिस पर वो, वो गाड़ी शायद रिवर्स हुई थी मैं उस गाड़ी रास्ते की तरफ चला सामने दूर मुझे बड़ी एक सड़क सिंगल रोड नजर आई <coughs> ट्रैफ़िक चल रही थी मैं चलता हुआ पहुँच गया और मेरे हाथ में अभी भी वो पानी की बोतल थी मैं साथ लेके जा रहा सड़क पे पहुंचा गाड़ियां आ जा रही थी मैंने इशारा किया तीन चार गाड़ियों का कोई गाड़ी नहीं रुकी मुझे दूर दूर तक कोई ऐसी नज़र नहीं आता पर मुझे एक अपने सड़क के बाएं आते हुए मुझे लगा कुछ आबादी है उस तरफ मैं चल पड़ा चलते चलते रास्ते में मैं अब देख रहा हूँ यह जगह कौन सी है कोई निशानी मिले वो निशानी एक मुझे कंक्रीट का एक बड़ा सा एक वो ब्लॉक नज़र आया जिस पर कुछ तहरीर था लेकिन वो पड़ा नहीं जा रहा था अंधेरा था हल्की सी रोशनी थी और फिर गाड़ी गुजरती थी तो कुछ नजर आता था उस ब्लॉक पे तो कुछ गाड़ियाँ जब गुजर रही थी तो मैं क़रीब जाके उस ब्लॉक के देखा तो उस पर ऊपर एक हकमत पंजाब का लोगो बना हुआ था और उसके नीचे आठ दस सत्रों की तहरीर थी और उस तहरीर के पहले तीन अल्फाज मैंने पढ़े महकमा ज़रात पंजाब और ये पढ़ के मैं फिर आगे की तरफ चल पड़ा और फिर एक मकाम पे पहुंच गया वहाँ पे कुछ एक चेक पोस्ट थी वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ आके रुकी मुसाफिर ने को मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे फ़ोन दे मैं इमरजेंसी फ़ोन करनी है तारफ़ कराया मती जान साफ़ी ही उन्होंने कहा जी आपकी खबर चल रही है उन्होंने मुसाफर को नीचे उतराया गाड़ियों से मुझे फ़ोन दिया और फिर मैंने फ़ोन घर में लाया भाई को उन्होंने कहा आप रुके उधर ही आ रहे मैं वाइफ को कन्वे किया मैं खैरियत से हूँ तो वहाँ पे भाई कुछ आधे घंटे पौने घंटे बाद उस जगह पे आ गए और वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे वहाँ से उठाया और उनके साथ में वापस घर पहुँचा रात को बारह बजे बहुत थका हुआ था मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे अगवा करने वाले जो मुझे महसूस हुआ ये वही लोग थे कि जो इस मुल्क में जमहूरियत के ख़िलाफ़ है सियासी निज़ाम के ख़िलाफ़ है जो आइन की बालादस्ती को नहीं मानते पार्लियामेंट की बालादस्ती को नहीं मानते और शुरू दिन से इस आइनी निज़ाम और आयन की बालादस्ती के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे और जो वीडियो है उसमें जो भी नज़र आए चाहे वो पुलिस है सिविल है जो भी लेकिन आपको पता है आजकल के दौर में तो सब एक पेज पे सब एक पेज पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी ने कौन से कपड़े पहने में ये सारा वाक्य जो है मैं इस सारी तकलीफ़ से गुजरने के बाद जिसम के बहुत से हिस्से दुख रहे थे मेरे मुझे कोई ऐसी ज़ाहरी चोट उन्होंने नहीं लगाई मगर सर के अंदर हल्की सी वो स्वेलिंग और पीछे कंधे अभी भी जिससे वो दबा के रखते थे और जिस वो हथकड़ी जैसा बांधी रही और फिर पीछे तो अभी तक वो मतलब उसके साथ बॉडी पे हैं और तो वो मैं थकावट बहुत थी इस तकलीफ से सब को गुजरने के बाद अगली सुबह सुप्रीम कोर्ट में हेरिंग थी रात को बारह बजे जब घर पहुँचा तो किसी से बात नहीं कर पाया सिर्फ घर वालों से मिला और सो गया और सुबह सवेरे उठ के सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना हो गया सुप्रीम कोर्ट में मैंने चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जस्टिस अहसन जस्टिस मुशीर आलम के बेंच में पेश हुआ और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मेरे साथ ये वाक़ा हो गया मैं ये तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने जब एक शख्स अगवा होने के बाद पेश होता है तो मजद्ज़ अदालत उस शख्स से खुद पूछती है कि आपके साथ क्या हुआ बहर उन्होंने मुझसे पूछने की बजाय अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपने इनके साथ जो हुआ उसकी रिपोर्ट दर्ज की उन्होंने कहा जी हम कर रहे हैं उन्होंने हुक्म दिया कि इनका बयान रिकॉर्ड करें मगर मुझसे उन्होंने नहीं पूछा कि आपके साथ क्या हुआ उन्होंने कहा वो एक अलहदा मसला है ठीक है आप सिर्फ में बोलें चीफ़ जस्टिस ने कहा फिर ऑर्डर में उन्होंने कहा कि आज ही पुलिस फ़ौरी तौर पर बयान रिकॉर्ड करे जो आज मैंने करवा दिए लेकिन एक चीज़ पे मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि ऑर्डर के अंदर जब चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ने यह कहा कि ये अबडक्शन हुई है रिपोर्ट्स हैं तो जस्टिस इजाजुल एहसन उन्होंने इंटरप्ट किया उन्होंने मशवरा दिया कि ये अबडक्शन ना लिखें इसको अलैज अबडक्शन लिखें यानी अगवा ना लिखें मुबैना अगवा लिखें मैंने बड़े एहतराम से कहा कि मेरी राय में ये अगवा है और जिस तकलीफ़ से मैं गुजरा हूँ इसको आप मुबैना वाक़ तो ना लिखें अगर ये वाक़ किसी जज के बेटे के साथ होता तो उसको भी मुबैना वाक़ लिखा जाता या जो हुआ है वो भी मुबैना था ये मुबैना अगवा क्या होता है जबकि हुकूमत ये कह रही है कि यह अगवा का केस है और जो वीडियो आई है तो उस वीडियो के बाद भी मुबैना इस अजियत और अजाब से गुज़रने के बाद मैं एक नतीजे पर हूँ कि जो सहाफ़ी हैं उसके काम की नो़ीय बड़ी मुश्किल है बड़े बड़े सियासतदान बड़े बड़े माजी में जज़ साहिबान भी अपनी ज़िम्मेदारियों से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं मगर सहाफ़ी शायद वाहिद हैं इस पाकिस्तान के मुल्क में कि जो खड़े हैं तो वह खड़े रहते हैं बहुत कम ऐसे होंगे जो किसी के आलाकार बन जाते हैं अपनी जान और नौकरी बचाने के लिए मुझसे मेरे अल्फाज का हिसाब तो लिया जाएगा मगर मेरे पास अल्फाज हैं ही कितने जिनका मैं हिसाब दूंगा इस तमाम वाक्य के बाद जो रदल हमारी सिविल सोसाइटी की तरफ से आया या जो भी कंडमनेशन आई वो एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ थी मुझे बताया गया कि मतलब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया से मीडिया से सिविल सोसाइटी से हुकूमतों की तरफ से तंजीमों की तरफ से इस वाक़ के ऊपर इतना सख्त रिएक्शन आया मुझे आस्ता आस्ता एहसास होना शुरू हुआ कि शायद मैं इस रिएक्शन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी बच गई अपनी रिहाई के बाद मैं किन हालात में घर पहुँचाऊँ उसकी तफसलत मैंने पुलिस को आज ही बयान रिकॉर्ड कराया है उसमें दे दिए हैं मगर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम जो सियासी जमातें हैं उनका सिविल सोसाइटी का नेशनल और इंटरनेशनल लॉयर्स कम्युनिटी का जो बॉडीज़ हैं उनका और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान फेडरल यून ऑफ जर्नलिस्ट का और दूसरी सहाफती तंजीमों का भी और खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जहाँ से बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया और बर वक्त जो है रिस्पांस आया मेरे हकूक़ के तहफ़ के लिए और हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी बाकायदा तौर पर इसको अबडक्शन माना गया और उसके हवाले से हदायात भी जारी की गई मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर बिलाल भुट्टो जरदारी और उनकी पार्टी की दीगर कायदीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सिंध की जो तूसी कौम पर हैं उनका नून लीग के जो कैदी हैं उनका जमात इस्लामी के अमीर आज साहब का अकमान जमात जो हैं पाकिस्तान तरीकान इंसाफ उनके भी अरकान काबीना के कुछ लोग उन्होंने बड़ा असली स्टैंड लिया और पार्लियामेंट में भी उनके कुछ लोगों ने स्टैंड लिया इतना कुछ वाजे होने के बाद सपोर्ट किया उन्होंने और फिर पश्तून तहाफुल मूवमेंट के मंजूर पश्चिन मौसम दावड़ीली वज़ी बलोचिस्तान के जो लोग हैं कौम जमतें उनकी तरफ से भी सिविल सोसाइटी का नेशनल इंटरनेशनल वकला तंजीमें बार कौंसल बार एसोसिएशनों की तरफ से और मैं तमाम साफी भाइयों का खासकर वो जो मुझसे शायद बात नहीं करना चाहते थे लेकिन इस मामले पे मेरे साथ खड़े थे और जितने ममालिकफारतकार हैं जर्मनी कनाडा और नदरलैंड का इन सब लोगों का बहुत शुक्रिया और ये अनप्रसिडेंटेड था जिस तरह का जो बाद में मुझे बताया गया कि रिएक्शन आया और शायद यही वजह थी कि इस रिएक्शन के दबाव में जो मेरे अगवाकार थे जो इस मुल्क के अगवाकार हैं जो इस सियासी निज़ाम के अगवाकार हैं उनको मुझे जल्द ही आज़ाद करना पड़ा मैं तो करता हूँ कि हमारे पुलिस हमारी इंतज़ामिया हमारी हुकूमत हमारी अदलिया इसको एक प्रेसिडेंट बनाएगी इस मामले को और आइंदा पाकिस्तान में सहाफ़ियों की और शहरीों की जाने भी महफूज होंगी कि अगर इसी तरह लोग के ऊपर खड़े होते हैं तो फिर इस माशरे की आँख और कान सहाफियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आजकल जो मीडिया के हालत हैं आपको पता है जंग ग्रुप के मालिक को जेल में डाला हुआ है दूसरे टीवी चैनल्स पे हमद मीर साहब भी गिला करते हैं उनका प्रोग्राम नहीं चलने दिया जाता और ख़ास कर मेरे वाले से प्रोग्राम को सेंसर किया गया और दूसरे चैनल्स पे जिस तरीके से पैमरा को इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरीके के साइबर क्राइम के जो कवानीन है उनको पूरे मुल्क में ऐसे ऐसे साइबर एफ़ के डजनस बने हुए हैं सेल्स बने हुए हैं जहाँ पर लोगों को रखा जाता है एक साइबर क्राइम के नाम पे और कोई हिसाब नहीं है कि ये एफ़ आई ए के कितने सैलें और कहाँ कहाँ हैं सरकारी हैं गैर सरकारी हैं सेफ़ हैं क्या है कोई पूछने वाला नहीं है और जिस तकलीफ़ से मैं गुजरा हूँ और जिस तकलीफ से हमारी साफी बरदरी गुजरी है काश किसी दिन उन तकालीफ के बारे में भी कोई हमसे पूछे हमसे भी तो पूछे कि क्या इंसानियत की जो तोहन इस मुल्क में हो रही है उसकी भी कोई सज़ा है मैं आज के प्रोग्राम में बस यही कहना चाहता हूँ और ख़ासकर अपने एम जे के फॉलोअर्स को और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया मैं हैरान हूँ मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे हवाले से बहुत कुछ लिखा भी और बोला भी और एक बार फिर ये कहूँगा कि ये सिर्फ मती जान की बात नहीं है ये हम सब की ज़िंदगी और मुस्तबिल का सवाल है हमारे आने वाली नस्लों का सवाल है जो आज आप लोगों ने स्टैंड लिया है सपोर्ट की है इसको इसी तरह जारी सारी रहना चाहिए